क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ में ज्ञात करना है, चलिए तो इसका योग निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए सारे टर्म्स इसमें प्लस के रूप में है, तो प्लस के रूप में एक ही फॉर्मूला हो सकता है, आपको याद होना चाहिए, 1 - x^(-n) का भी एक फॉर्मूला आपको बताया था, तो उसको बताए थे 1 + (n)(x) + (n)(n+1)/2। ठीक है, इंटू में x² ठीक प्लस (n)(n+1)(n+2)/3 का फैक्टोरियल इंटू में x³, यही गया था आपके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से इससे और इससे देखने पे आपको दिए हुए श्रेणी में इससे जब तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे दिए गए श्रेणी से तुलना करने पर है ना, इससे तुलना करेंगे तो nx का मान 1/4 हो जाएगा, nx का मान 1/4 हो जाएगा और (n)(n+1)/2 का फैक्टोरियल इंटू में x² का मान ये वाला हो जाएगा 1 × 4 और 4 × 8, ये ना दिया है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको आज एज ए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, इसको अभी से भी सेकंड मान लेते हैं, आगे चल के काट देंगे इसको। चलिए इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 का वर्ग करते हैं, लिखेंगे वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा (n²x²)/1/16, इसका वर्ग करेंगे ना, सॉरी 1/16 आ जाएगा, आएगा ना 1/16। तो यहाँ से हम चाहें तो (x²) का मान बता सकते हैं, तो (x²) = (1/16)(n²), तो यहाँ लिखेंगे (x²) का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो आपका कौन सा, यही ना है, तो इसको चलिए यहाँ रखते हैं, तो हो जाएगा (n)(n+1)/2 का फैक्टोरियल, तो वो तो 2 ही हो जाएगा और इंटू (x²) की जगह 1/16(n²)/1×4/4×8। चलिए इसको इसे काट देते हैं, यहाँ देखिए आगे हम (1n)से (1n) कटेगा और ये 8 × 16 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा (n+1) और बटा में बचेगा (4n)/1। चलिए यहाँ से ये जाकर उधर गुना करेगा तो (n+1)/(4n) यानी कि 4n ये आके इसमें घटेगा ना, (-n)/(1) यानी कि (3n)/(1)(n)/1/3, n का मान आ गया, इसलिए है ना, इसलिए आपका किसका निकालना है अभी, x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ से देखिए समीकरण x से कर देंगे, इसलिए n का मान समीकरण एक में रखने पर तो (n)x = क्या था, 1/4 है, 1/4, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग (n)(1/3) और गुणा में (x)(1/4, यानी (x) यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपका 3/4, समझ गए, x का मान 3/4 आ गया, n का मान 1/3 आ गया। अब देखिए, अब चूंकि क्वेश्चन है आपका किसका योग निकालना था, तो 1 + 1/4 + 1/4 × 4 है, है, इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, सॉरी, चलिए 1 × 4 था आपका और नीचे है 4 × 8 प्लस ऊपर है 1 × 4 × 7 और नीचे है 4 × 8 × 12, इसी तरह से था ना इन्फिनिटी टर्म तक। चलिए तो इसका फॉर्मूला आप ऊपर देखे थे क्या था, तो 1 - x²-n, इसी का ना फॉर्मूले के फॉर्म पे था, तो यहाँ हो जाएगा 1 - x का वैल्यू ये रहा 3/4 और इसका पावर -n यानी कि -1/3। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम लेके घटा लेते हैं, 4 में से 3 घट जाएगा, पावर में -1/3। चलिए यहाँ से हो जाएगा ये 1/4 का पावर -1/3,
ठीक है, ये पलट देंगे तो यहाँ 4 का पावर हो जाएगा प्लस में 1/3, समझ गए, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। इसमें योग किस तरह से ज्ञात करना है, तो इस चैनल को हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सएप SMS भेज के चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।